बसमिल मई यू टू फैमिली कैसे हैं जी सब उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं अल्लाह ताला का शुक्र है अल्लाह तब को अपने घरों में खुश और आबाद रखे आम सुब आमीन जी तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं तो ये शाम का टाइम था तो मैंने बनाया था डिनर में ये बना रही थी मैं चिकन और दाल इसकी रेसिपी मैं कई दफ़ा आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ इसलिए मैंने ये स्टार्ट से सारा आपको नहीं बताया अभी तकरीबन ये मैंने इसमें बस पानी डाल दिया था अभी दाल गलेगी और बस ये डन हो जाएगा तो मैंने सोचा कि इतनी दफ़ा आप लोगों से ये शेयर कर चुकी हूँ बार बार वही बार बार आप रेसिपी शेयर करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और वैसे भी ये छोटी छोटी चीज़ें तो मुझे लगता है सभी को बनाने आती हैं लेकिन वो ज़ाहिर बात है कि मेरा डेली रूटीन से रिलेटेड ब्लॉग होता है तो मैं उसमें सारा कुछ आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ जो भी बना रही होती हूँ तो लेकिन आज मैंने सारी रेसिपी शेयर नहीं की लेकिन यहाँ पर ये यह डन हो चुका था अब इसमें बस धनिया डालूंगी और सबस मिर्चें डालूंगी तो माशाल्लाह से ये जो थी ना चिकन और दाल जो थी ना वो तैयार हो चुकी थी तो ये देखें यहाँ पर काफ़ी दिनों से ना हम लोगों को पता आदत होती है कई दफ़ा ये हमारे साथ होता है बहुत से लोग इस बात से एग्री करेंगे कि हम लोग ऐसे करते हैं कि ये बड़े शौक़ से मंगवा लेते हैं ये जो आ, मसाला डब्बा होता है बड़े शौक से प्लास्टिक में भी मिलते हैं और इसमें भी मिलते हैं ये स्टील में भी मिलते हैं हम बड़े ही शौक़ से मंगवा लेते हैं लेकिन ये इसमें इतनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती हैं ना कि ये हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना तकरीबन मुझे तो लगता है हमारे घर में तो ख़त्म हो चुका होता है तो मुझे लगता है एक वीक भी नहीं लगता और ये तकरीबन ख़त्म हो जाता है तो ये अब काफ़ी दिनों से जो ख़त्म हुआ हुआ था और मैं वही बड़े कंटेनर जो हम हमने, हमने रखे होते हैं छोटे लाइक छोटे वाले जो होते हैं इनसे बड़े जो होते हैं वो रखे होते हैं उन्हीं में से बस डालते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा होता है ये जैसे इसमें से मैं डाल रही हूँ ये हल्दी तो नॉर्मली अक्सर ये रखा होता है तो हम इसी में से डाल लेते हैं कि चलें ठीक है जी इसी में डाल डाल इसी में से डाल लेते हैं तो आज मैंने सोचा कि ये काफ़ी दिनों से मैंने रखा हुआ था आज मैंने इसको अच्छी तरह से पहले धोया साफ़ सुथरा किया इसको क्योंकि किसी में थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ था किसी में था अभी भी देखें नमक वग़ैरह कुछ का बचा हुआ था कुछ मसाले थोड़े थोड़े थे अभी भी लेकिन बाकी सारे मैंने कहा आज मैंने इसके अंदर सारे मसाले डालती हूँ और मैं वो दिखा रही थी कि हम जो मसाले यूज़ करते हैं अच्छा जी तो यहाँ पर वो कहते हैं ना कि कभी कभी अगर आपका मीठे की मीठे मीठे की क्रेविंग हो ना और इस तरह की जो चीज़ है लाइक आपका दिल कर रहा हो कि आप गाजर का हलवा हलवा वगैरह खाएं तो मैं तो यही करती हूँ कि मैं घर बना लेती हूँ तो बच्चों की ये होती है ना कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं कि उनकी च्वाइस जो होती ना चेंज होती जाती हैं इतना हमारे घर में बनता था गाजर का हलवा यकीन करें हर वीक हर दूसरे तीसरे वीक हमारे एक वीक में ख़त्म हो जाता तो सारे कह रहे होते थे ख़त्म हो गया ख़त्म हो गया छोटे बड़े सभी कह रहे होते थे फैमिली में तो अब किसी को भी इतना शौक नहीं रहा बच्चों की क्योंकि बिल्कुल ही इनकी चेंज हो गई है वो बिल्कुल भी नहीं खाते तो मीठा वगैरह क्या देती है नहीं हमने खाना हालांकि गाजर का हलवा इतना हेल्दी होता है तो मैंने सोचा उन्होंने तो नहीं खाना चलो नहीं खाते तो ना खाएं मैं अपने लिए और कश्यप के लिए बना लेती हूँ कश्यप ये कि कश्यप शेयर कर लेती है थोड़ा बहुत खा लेती है साथ में तो मैंने कहा इतना थोड़ा सा बनाती ना अपने लिए तो मैंने कहा चले आप लोगों से भी मैं रेसिपी शेयर करती हूँ जैसे मैं बनाने लगी हूँ साथ ही मैंने कहा पहले मैं ये पिस्ते बादाम जो थे ना वो मैंने कहा निकाल के रख लेती हूँ और इनको थोड़े थोड़े ना जिसको वो कहते हैं पंजाबी में गदार दर्द से कार लेती हूँ थोड़े मोटे मोटे से ये बादाम तो भी हुए नहीं थे इनको अभी दोबारा से करूँगी मैं तो ये देखें यहाँ पर मैंने ऐसे किया था कि गाजर को मैंने बजाय काश करने के कि मैं इतना तरह करती मैंने ये किया कि उसके छोटे छोटे पीसेस किए पानी डाल के मैंने उसको रख दिया था और वो 15-20 मिनट के अंदर जो गाजरें थी बड़ी अच्छी सी गाल गई थी उसको मैशर के साथ मैश कर लिया था और साथ ही ये देखें दूध मैं ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि जितना आप दूध डालते हैं उतना आपको फिर ड्यूटी देनी पड़ती है खड़ा होना पड़ता है और वैसे भी जितनी मैं क्वांटिटी में बना रही हूँ उस लिहाज से मैंने दूध भी थोड़ा ही डाला और शुगर भी इतनी डाल दी है आप जिस क्वांटिटी में बना रहे हैं उस क्वांटिटी में आप अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं तो ये देखें अब अच्छी तरह जब ये पक जाएगा सही करके पकेगा जब अच्छी तरह से पक जाएगा तो उसके बाद मैं इसके अंदर जो है ना डालूंगी ड्राई मिल्क डालूंगी और ड्राई मिल्क के साथ फिर मैं इसमें लास्ट में जो है ना वो मैं ड्राई फ्रूट सारे डाल दूंगी जो मैंने काट के रखे हुए हैं कुछ गार्निश के लिए रखूँगी और कुछ इसके अंदर ऐड कर दूँगी तो ये देख लें माशाला से कितना अच्छा भी बन जाएगा इतना यकीन करें मज़े का टेस्ट था ना जब कश्यव घर में एंटर हुई है आज मैंने दो चीज़ें बनाई थी पीछे आपने देखा भी है स्टार्ट में जब वीडियो इन टू डेज़ वीडियो में मैंने दिखाया कि मैंने पकौड़े भी बनाए थे तो वो कह रही थी मम्मा आज तो घर बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है आपको पता कि सर्दियों में बाहर तो जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया कि आ, बाहर तो कोई हाल नहीं है कि आप कहीं घूमने फिरने निकलो इतनी ठंड में तो किसी का भी कहीं भी जाने को दिल नहीं करता बस ये होता है कि या तो अगर गए हो बाहर गाड़ी में बैठे रहो गाड़ी में मंगवा के कुछ खा लो या किसी अंदर जाके किसी भी जगह पे खाने वाली जगह पे आप जा रहे हैं तो अंदर जाके खा लो तो अदरवाइज़ जो होता है ना कोई घूम फिर के या कहीं आप तो मतलब बाहर बैठ के वो बात नहीं होती इन सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी है तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतना नाइस इतना मज़े का जो था ना गाजर का हलवा जो है ना तैयार हो चुका था तो मेरे जो चैनल पे नए लोग आए हैं ना अगर मेरी कोई वीडियो नए लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तो बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आप लोगों को देखने के लिए मिले तो वैसे भी आप जब देख रहे होते हैं ना तो आपका ये अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो ये होता है कि जो वीडियो बना रहा होता है ना इतनी मेहनत से उसको बनाना उसको एडिट करना मेरे साथ तो यही कई दफ़ा होता है कि घर में कोई भी नहीं होता कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं होता कि मेरी कोई थोड़ा सा भी क्लिप ले ले कोई किसी टाइम भी तो कई दफा ये ऐसे होता है कि मैं खुद ही एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से क्योंकि अगर स्टैंड लगाने को आपका दिल नहीं कर रहा तो आप एक ही हाथ में उठा के कैमरे को और एक ही हाथ में अभी भी इस वक्त भी मैंने कैमरा एक हाथ में उठाया हुआ और मैं सारा आप लोगों को ये दिखा रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से खुशी से सब्सक्राइब सबस्क्रा, भी कर दिया करें और बेल आइकॉन को ज़रूर साथ में क्लिक कर लिया करें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप लोगों को देखने को मिले और आप लोगों ने ज़रूर मुझे बताना कि आप लोगों को ये रेसिपी क्विक थी बिल्कुल यकीन करें कोई आपने मतलब उसको गाजरों को कश नहीं किया कुछ नहीं किया तो जितनी भी क्वांटिटी में आपने बनाना है चले मैंने तो थोड़ी क्वांटिटी में बनाया अगर आप ज़्यादा में भी बना रहे हैं तो इसी तरह आप ढेर सारी गाजरें डाल के तो इसी तरह यकीन करें इतनी जल्दी रेडी हो जाता है ना मुझे तो बहुत ही मज़े का लगा आप लोगों ने भी ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है जी तो ये बनाया और उसके बाद साथ ही मैंने चिकन और दाल तो पहले बनाई हुई थी अभी यहाँ पर मैं बना रही थी रोटियाँ बना रही थी तो आज मेरा इरादा था बड़ी लेट मेरा इरादा बना कि आज मैं ना पकौड़े भी बनाऊँगी क्योंकि मैंने दो दिनों से फ्रेश पालक मैंने साग की रेसिपी जिस दिन दी है ना उस दिन मैं फ्रेश पालक भी लेके आई थी उसमें से मैंने आधा पालक जो था ना क्योंकि ज़्यादा था पालक साग भी आप लोगों ने देखा मैंने थोड़ा सा ही बनाया था तो पालक ज़्यादा थी तो मैंने आधा पालक जो ना रख लिया था मैंने कहा फ्रेश पालक के ना मैं बनाऊँगी पकौड़े आज मैं प्याज आलू और पालक के ये देखें पालक मैंने ढेर सर डाली और मोटी मोटी काटी है ताकि पालक ज़्यादा हो पालक के ही किस्म के पकौड़े मैं बना रही हूँ आलू भी मैंने थोड़ा सा बिल्कुल डाला प्याज भी एक बड़ा प्याज था मेरे पास वो डाला है अब यहाँ पर मैं बेसन डाल रही हूँ ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्जी से बेसन जितना आप देख के उसकी जो भी उसकी आपने जितना उसको रखना होता है यानी कि ना उसको इतना थिक कर दें इतना बेसन डाल लें और ना इतना उसको पतला रखें कि सारी चीज़ें अलग अलग नज़र आ रही हों तो अभी हम साथ ही सारे स्पाइसेस डालना शुरू कर देंगे ये देखें जितने मेरे पास स्पाइसिस हैं जितने भी नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं वो सारे स्पाइसेस हम थोड़े थोड़े करके इसके अंदर डाल देंगे तो यहाँ पे कई लोग कई लोग नहीं बल्कि मैं खुद भी कई दफ़ा यहाँ पे इस स्टेज पे आके जब सारे स्पाइसेस वगैरह या मिक्स कर रहे होते हैं तो मैं कभी कभी अंडे भी डाल देती हूँ एक अंडा दो अंडे जितने आपने डालने हैं लेकिन आज मैं बग़ैर अंडों के बनाऊँगी तो अंडे डालने से वैसे बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं लेकिन आज नहीं मैं अंडे डाल रही क्योंकि कश्यप को कई दफ़ा होता है अंडों से वो अक्सर कह रही होती है किसी भी चीज़ में होना तो वो कह रही होती है कि मैंने नहीं लाइक मैं जिस तरह एग फ्राइड जो राइस होते है। वो अक्सर मैं उसकी वजह से नहीं बनाती क्योंकि वो है नहीं डालने देती फिर वो मुझे मजा नहीं आता उन चावलों का तो वो भी मैं कितने दिनों से कह रही हूँ कि मैं बनाऊंगी अब मैं ताला फिर नेक्स्ट डेज में ना बनाऊंगी वो रेसिपी भी आप लोगों से अपनी शेयर करूंगी ये देखें सारे स्पाइसेस जो मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं अब हम इसकी देख लेंगे कि हमने कितनी इसको ठीक को रखना है उतना रखने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ेंगे ये देखें मेन जो था ना ये मैं ज़रूर डालती हूँ इसके अंदर आप लोग भी ज़रूर डाला करें जो ये होती है अजवाइन होती है ये बहुत ही अच्छी होती है ये हमेशा डाला करें मैं तो वैसे कई दफ़ा जब बना रही होती है हंडियाँ वगैरह सालन वगैरह बना रही होती है उसमें भी एक चम्मच डाल देती हूँ क्योंकि वैसे तो बच्चे खाते नहीं है उस तरह नॉर्मली कैवा वगैरह तो वैसे मेरे बच्चे हमेशा पी ते हैं तो जब भी मैं बनाऊं और उनका गला वगैरह ख़राब हो हमारे घर में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है कि मेडिसिन की तरफ बहुत काम जाते हैं और ज़्यादातर ये होता है कि कैवा वग़ैरह बनाते हैं और इससे आप जैसे अब आजकल सर्दियों का मौसम है और अक्सर गले ख़राब हो जाते हैं तो वो कहती है ना कि जैसे अक्सर माएँ कह रही होती है कि नाक मुंह में जा रही है बच्चों की तो वह बात होती है कि आजकल ऐसे वेदर होता है कि बड़ों की क्या बच्चों के सबके साथ यही हाल हो रहा है इस ठंड में तो कहवा जो होता है ना बहुत ही अच्छा होता है अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी उस कैवे की रेसिपी वैसे मैंने कितनी वीडियोस में अपनी में बताई भी है और मेरे बच्चे तो अक्सर जब उनकी तबीयत ख़राब होती है वो हमेशा यही कहते हैं कि मम्मा हमें अपना का आप अपना जो कहवा बनाती है ना वो हमें दे दें उन्हें इतना बिलीव है कि वो हमेशा कैवे ही कहते हैं वो ये नहीं कहते कि हमने कोई मेडिसन लेनी या कुछ लेना है और अलमदुल्लमदिल्ला जब मैं बना के देती हूँ उनको तो माशाला से वो ठीक भी हो जाते हैं शुक्र अल्लाह ताली का तो ये देख ले माशाल्लाह से बातें करते करते पकोड़े भी बन गए आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है इतने मज़े के थे कोई भी चटनी साथ में आप ग्रीन चटनी ले लें मैंने इमली की चटनी बना के रखी हुई है इमली की चटनी की मैंने रेसिपी भी दी थी तो अगर आपको चाहिए होएगी तो मैं ज़रूर उसकी लिंक डाल दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो ये देख ले माशाल्लाह से पकोड़े भी ज़्यादा से तैयार हो गए थे कश्यप घर में एंटर हुई है तो उसने कहा कि मम्मा किस चीज़ की खुशबू आ रही है मैंने कहा आज पकोड़े बने हैं तो कहती है आई डोंट नो मेरे माइंड में पता नहीं क्यों आज पकोड़े ही पकोड़े बार बार आ रहे थे मुझे इतनी हंसी आई मैंने कहा देखें दिल को दिल से राह होती है अगर उसका दिल कार रहा था, था तो मैंने इतने लेट बनाए हैं लेकिन मैंने बना लिए हैं तो वो बात होती है कि कभी कभी आपके कभी कभी क्या बच्चों के तो दिल की बात भी माँ जान लेती है तो वो बात होती है कि वो बड़ी खुश हुई तो उसने आके वैसे वो काम ही खाती है लेकिन उसने आके स्पेशल उसने कहा इमली की चटनी के साथ मुझे दो और आज वो जब जॉब पर गई है तो उसने कहा मम्मा मुझे कंटेनर में भी थोड़े से तीन चार पकौड़े डाल दो तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह शाल नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ अच्छे से व्लॉग के साथ फिर आऊँगी तो आपने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगी हैं तो अभी पकोड़े ये मैंने बना ली हैं लेकिन अभी भी पकोड़े बन बन रहे थे जो रह गए थे लास्ट में तो वो भी बन रहे थे तो इन शाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी मिलेंगे ओके बाय अल्लाह हाफिज़